तो भारत सरकार अगर आएगा तो करेगी नहीं करेगी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आप मोदी सरकार की तर्जुमानी कर रहे हैं। अरे अरे बात तो सही है ना प्रसाद साहब, इसमें आपका प्रॉब्लम क्या है आपके चैनल का, कि आप ये चाह रहे हैं कि रात के 9 बजे बैठकर ओवैसी ये वो मैं होने नहीं दूंगा, ये तो गलत बात है ना। मैं तो सत्ता में नहीं हूँ, मेरे सवाल करना मेरा काम, मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, मगर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है ये सवाल से? उनकी पॉलिसी क्या है इसके ऊपर वो बताए ना, वही नहीं पूछना चाह रहे? भारत का प्रधानमंत्री तो मैं नहीं हूँ ना। भारत के लिए तालिबान बहुत ही तरह एक खराब बात है या फिर डेंजरस स्टेट है, तो उनसे बात क्यों की जाए? और मौजूदा हालात में जिस प्रकार से अभी ऑन पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है, अब मुझे अभी तक मोदी सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग का इनविटेशन अभी तक नहीं मिला है। मुझे नहीं मालूम कि वो भिजाएंगे नहीं भिजाएंगे, क्योंकि जब चाइना की ऊपर, जब चाइना हमारे भारत की टेरिटरी में जब घुस गया था और आज भी घुस के बैठा हुआ है, जब प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई ऑनलाइन, तो प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन में भी हमको दावत नहीं दी, बुलाया नहीं। अब ये नहीं मालूम कि इस ऑल पार्टी मीटिंग में जो फॉरेन मिनिस्टर ब्रीफ करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर, उसमें हमको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। मगर हम तो आपके ज़रिए से प्रधानमंत्री से ये बोलना चाहेंगे कि हमको भी बुलाइए, हमको भी बुलाइए। चाय की ज़रूरत नहीं है, मगर हम सुनना चाह रहे हैं कि भारत सरकार की क्या पॉलिसी अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में 4 मरतबा पिछले 7.5-8 साल में इस मसले को बार बार उठाया है और वो ऑन रिकॉर्ड पर है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई आपकी पॉलिसी क्या है अफगानिस्तान के ऊपर। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AIMIM पार्टी को भी इस ऑल पार्टी मीटिंग में इनवाइट करेगी। तालिबान को लेकर के आपका क्या रवैया? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, भाई सुनिए प्रसाद साहब, प्रसाद साहब आप तो मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। यही तो हम सुनना चाह रहे प्रधानमंत्री से, यही तो मोदी सरकार को बोलना पड़ेगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट भारत में है, उनकी पॉलिसी क्या है इसके ऊपर वो बताए ना, वही नहीं पूछना चाह रहे? भारत का प्रधानमंत्री तो मैं नहीं हूं ना। ये सवाल आपका बहुत सही है, ये भारत के प्रधानमंत्री उनके सरकार को सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपके सवाल बड़े बुनियादी है। नहीं, अरे भाई मैं प्रधानमंत्री तो मैं नहीं हूं ना। अरे देखिए, भारत सरकार की पॉलिसी क्या हम सुनना चाह रहे हैं। जहां तक तालिबान के लीडरशिप जो है, उसमें से जो टॉप 10 में से कई लोगों को यूनाइटेड नेशन ने अपने रेजोल्यूशन से उनको टेररिस्ट करार दिया है, अब उनको डिडेजिग्नेट करना पड़ेगा। तो भारत सरकार अगर आएगा तो करेगी नहीं करेगी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आप मोदी सरकार की तर्जुमानी कर रहे हैं। अरे बात तो सही है ना प्रसाद साहब, आप जब कह रहे हैं तो हम तो वही पूछना चाह रहे हैं। ये तालिबान के कई लीडर्स जो है, उनके ऊपर यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस हैं, उनको डिडेजिग्नेट करना पड़ेगा। तो क्या चीन करेगा? भारत तो सिक्योरिटी काउंसिल का भी फिलवक्त चेयरमैन है। और फिर सुनिए, दोहा में हमने उनसे एक हेलो हाय किया, पूरी तरह नहीं किया। 2020 में हमने एक अनऑफिशियल एजेंसी से उनसे बातचीत की। यही तो हम जानना चाह रहे कि आपकी क्या पॉलिसी है। प्रधानमंत्री ने काबुल जाकर, आपके चैनल पर दिखाया गया कि गनी के साथ आपने पार्लियामेंट का उद्घाटन किया और भारत के प्रधानमंत्री ने स्पीच भी दी। वो पार्लियामेंट में अब क्या होगा? 700 करोड़ की पार्लियामेंट है, $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमने रिकंस्ट्रक्शन में किया अफगानिस्तान में। वो $3 बिलियन का क्या है, क्या हुआ, क्या देश जाना नहीं चाहेगा? सलामा डैम हमने बनाया, वहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप दी, छाबार पोर्ट का मामला है, ये तो सब सुनना पड़ेगा ना, उनसे ही सुनेंगे। हाँ बोल दिया ना, मेरी राय बोल दिया हूँ मैं आपको। क्या अपनी राय, अपनी, अरे अपनी, असदुद्दीन ओवैसी ही था जिसने 2013 से ये कह रहा था ये बात को, आप लोग सुनने तैयार ही नहीं थे। आप लोग आप लोग इतने विज्ञान है, इतने आप लोग विजडम आप में, कि आप सुनने तैयार नहीं थे। आप तो हंसी उड़ाते थे, आप तो मजाक उड़ाते थे मेरा पार्लियामेंट में, आप तो मुझे गाली देते थे।
अब देखिए अब इसका कौन जवाब देगा। अच्छा, मोदी जी इतना अमेरिका के करीब हो गए थे, वही अमेरिका सब बंद बना के भाग गया। हमारे 4 कॉन्सुलेट थे, क्यों बंद हो गए बताइए? एक एम्बेसी के साथ कौन जिम्मेदार है उसका? क्यों नहीं हमने जाने से पहले एयरपोर्ट में एक रूम क्यों नहीं लिया हमने, जो दूसरे सरकारें कर रही हैं? यही तो सवालात हैं जिसका जवाब हम चाहते हैं प्रधानमंत्री से। वो प्रधानमंत्री है ना, उनको बताना पड़ेगा देश को कि $3 बिलियन भारत का पैसा वहां पर सर्व करने के बाद ये सब क्या हुआ। आप कह रहे हैं कि आपने पहले सरकार को बताया था कि हमको बातचीत करनी चाहिए इसके नहीं, 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 मैंने सुनिए सुनिए मैंने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था कि क्या आप ये करेंगे, आपकी पॉलिसी क्या है? आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपको बाखबर किया, मैंने आपको कॉशन किया, तो आप सुनने तैयार नहीं थे। आज वो हकीकत बन चुकी है ना। तो इसमें आपका प्रॉब्लम क्या है आपके चैनल का, कि आप ये चाह रहे हैं कि रात के 9 बजे बैठ कर ओवैसी, ये वो मैं होने नहीं दूंगा। आप ये नहीं सुनिए, आप ये पूछिए कि ओवैसी ने पार्लियामेंट में कहा था नहीं कहा था, बताइए आपने क्या किया? ओवैसी ने कहा था कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं देते। ओवैसी ये बोल रहा है कि भाई $3 बिलियन आप भारत का पैसा वहां पर खर्चा किए, अब उस पार्लियामेंट में कौन बैठेगा, वो सलामा डैम का क्या होगा, वो जो बच्चों को हमने स्कॉलरशिप पे बुलाया था, ये सब क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकला? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, लेके आना चाहिए उनको। मगर हम तो ये सोच रहे थे कि वहाँ पर एयरपोर्ट पे हम एक हिस्सा, एक एयरपोर्ट का जैसा दूसरे एम्बेसीज ने एयरपोर्ट में एक रूम लेकर वहाँ पर अपना झंडा लगाया अपनी कंट्री का, हम भी लगाना चाहिए था हमको, क्योंकि एयरपोर्ट अमेरिका के कंट्रोल में है, एयरपोर्ट अमेरिका कंट्रोल में है। अभी भी अगर हमारे कोई नागरिक हैं तो उनको बिल्कुल निकालना चाहिए। अब एक बात आप लोग भूल रहे हैं, जिस जगह से हम यहाँ बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ का इंजीनियर को टेररिस्ट ने मार दिया था, हमारा इंजीनियर मारा गया आंध्रा का, तेलंगाना आंध्रा का, जाने दी गई हैं। तो यही तो हम सवाल पूछना चाह रहे हैं उनसे, आप जवाब ही नहीं सुनना चाह रहे, आप मुझे प्रधानमंत्री बना दे रहे, ये तो गलत बात है ना। मैं तो सत्ता में नहीं हूँ, मेरे सवालात करना मेरा काम, मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, मगर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है बताइए ये सवालात से? 3 बिलियन आपका भी पैसा है ना उसमें। मैडम सर, जिस तरह से अफगानिस्तान में सब हालात है, लोग मारे जा रहे हैं, तो उस पे अब क्या भारत को उनसे डरना चाहिए या क्या स्टैंड है? भारत किसी से नहीं डरता, ना डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए, क्यों डरना चाहिए हमको? मुल्क है, हमें कंट्री है, डरने की क्या बात है? अरे भाई डरने की क्या बात है, कोई हो जाए, एक हो जाए, हम अगर हम एक हो गए तो 100 एक हो जाए, क्या करेंगे? डरने की बात नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि तालिबान पाकिस्तान से बहुत करीब है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तालिबान पाकिस्तान से बहुत करीब है, कौन डिनाई करेगा इसको? सब कुछ, सारी दुनिया के हर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो ये हमको, हम सुनना चाह रहे कि फॉरेन मिनिस्टर साहब क्या ब्रीफ करेंगे अगर हमको बुलाए, नहीं तो फिर आपसे सुन लेंगे। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।